नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के तेज नगर इलाके में समधी ने अपने ही समधी और उसके बेटे को मारी गोलियां, दोनों गंभीर घायल। तरन तारण के अधीन आते गांव कलसिया कला में लुटेरों ने 100 वर्ष के बुजुर्ग माता को बंदी बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। जालंधर थाना 8 की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को किया काबू। एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक दातर की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के सुल्तान विंड के अधीन आते तेज नगर इलाके में एक समधी ने ही अपने ही समधी और उसके 17 वर्ष के बेटे को गोली मार दी, जिस कारण पिता और बेटा बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तेज नगर इलाके में संधु बिल्डर नामक व्यक्ति की ओर से अपने समधी दलजीत और उसके बेटे गुरप्रीत उर्फ मोहित को गोलियां मारी गई हैं। फिलहाल वे मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता के भाई गुरजीत सिंह और पड़ोसियों ने बताया कि उनके भाई ने अपनी बेटी का विवाह संधू के घर 6 माह पहले किया था और वे पारिवारिक तौर पर घर पर बैठे थे कि अचानक संधू बिल्डर द्वारा उसके भाई दलजीत और उसके बेटे गुरप्रीत पर गोलियां चला दी गई। उन्होंने बताया कि उसके भाई ने लड़की के घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी अपने अहम के चलते समधी द्वारा उसके भाई और भतीजे पर गोलियां चला दी गई हैं, जिस कारण परिवार में मातम का माहौल है और वे पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम नीतू है। मेरे जेठ नु गोली मारी है। साडी कुड़ी भज्जी भज्जी आई ओ तो। साडी कुड़ी भज्जी भज्जी आ के कहंदी मेरे पियो नु मारता है उन्होंने। मेरे भरा नु मारता है। मारियां गोलियां। संधू रे। संधू संधू रे मार के रे। संधू बिल्डर है। संधू बिल्डर ने गोलियां मारियां। पियो ने तनु गोलियां मारियां। संधू बिल्डर ने। ओते गोलियां लगूगी। बड़ा मुंडा भी आ गया। जिंदगी बच्चे कोई पैसा नहीं खर्चन दिता। री ना पैसा खर्चा भराया पैसा। मैं जाजे बहुत अमीर है, तेरे लागे छागे नहीं है। कहना मेरी कुड़ी आ, कहना मैं मीह वांगू पैसा वरता दूं। मेरी कुड़ी सुखी रहनी चाहिए आ। ऐसी कड़ी गल बात होगी जे मेरे भरा गोली मारती है। जे इन्हों जनानी है बाहर निकली, मैं इन्होंने हाथ नहीं लाया। जे इन्होंने कोई बंदा दा तो मैं दिखाता मेरी किन्नी पावर आ। मैं जनानिया के हाथ जो के की करा। बुढ़िया जनानिया भाबियां बाहर कड़तियां, जे जुड़ते की आ तो बाहर निकल। मैं दसा जज भाजी दलजीत सिंह जजी जिन्ह ने गोलियां मारे इन्हों की कुड़ी भी आई उन्होंने मैं इन्होंने मैं ये नहीं पता। मैंने फोन आया, मैं भाजी भज्जा ही आया। एक उन्होंने बेटा 17-18 साल का, उन्होंने भी मार गए जो सुने मैं जो मेरे फोन चाह गल जो। तो एक उन्होंने आप मिल गई तो मैं तो खबर सुन के आया। इन सामने आया मैं, ये कोई गलत काम कदम ना चुक ले, इन आप संभालना आए। ये काबू नहीं आया साढ़े। तरन तारण के क्षेत्र खेमकरण के अधीन आते गांव कलसिया कला में गत रात्रि लुटेरे घर में मौजूद 100 वर्षीय बुजुर्ग माता के मुंह में रुमाल ठूंसकर और कपड़े की रस्सी से हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस लूट की वारदात के बाद जब रात के समय पारिवारिक सदस्यों ने खटाके की आवाज सुनी तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माता जख्मी हालत में जमीन पर गिरी हुई थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में रुमाल था, जिसके बाद परिवार के मुखी जगतार सिंह ने अपनी माता के मुंह से रुमाल निकाला और हाथ पैर खोले और इस संबंधी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, पर वहां पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जगतार सिंह ने बताया कि वह आधी रात के समय अपनी पत्नी के साथ घर के कमरे में थे, जबकि बुजुर्ग माता घर के बरामदे में सोई हुई थी।
इस दौरान कुछ लुटेरे उनके घर में दाखिल हुए और उसकी माता को बंदी बनाकर लगभग एक तोले की सोने की बालियां, 50,000 रुपयों की नकदी लूट ली और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति का एक पैर का बूट और लकड़ी का बाला उनके घर में ही रह गया है। इस घटना से उनकी बुजुर्ग माता घायल हो गई और वह काफी डरी हुई है। वहीं इस संबंध में उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है, पर पुलिस ने इस संबंधी ना तो मौके का जायजा लिया और ना ही कोई कार्रवाई की। वहीं जब इस संबंध में थाना भिकीविंड प्रभारी बलजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले संबंधी जांच कर मामला दर्ज करेंगे और जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। भिकीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मामला माता दी लत्तां बाहां बंधदियां, मूंह दे विच टाकी देती आ वी रवाल पिया नाल ही। माता तो नकदी पैसे 50,000 रुपये दे वालियां दी ला के लै गई माता दी। बीती रात घर मौजूद सी ते उन्हां दी माता जुर्ग उम्र करीब 100 साल जो बाहर वेहड़े च मंजे ते सुते सी, जो अणपछाते दो व्यक्ति आके माता दे कन्नां चो करीब तोले दियां वालियां उतार के लै गए। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਥਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जालंधर में ADCP आदित्य शर्मा की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना 8 की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को काबू किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक दातर भी बरामद किया गया है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि उक्त आरोपी जालंधर देहात एरिया में वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। SHO 8 नंबर दे वल्लों एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जनरेट की गई, और इस पता चलिया कि किहड़े बंदे हैगे जिहड़े आपतन अपराधी ने, वो वैपन दे नाल एरिया च घूम रहे हैं, कोई वारदात नूं कर सकदे ने। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर असी जिहड़ा हैगा एक नाकाबंदी प्रॉपर की गई, जिहदे च एक बंदा जिहदी असी अरैसट किया। जदों वो बंदा असी अरैसट किया तो वह पाया कि जिहड़ी स्कूटरी ते सी, वो स्कूटरी ते फेक नंबर लगा सी। तो असी जिहड़ा प्रॉपर उहदी पुछगिछ कीती, जिहड़ा उहदे सर्च कीती तां उहदे व्हीकल तो जिहड़ी हैगी व्हीकल तो दो पिस्टल, जिहदे च एक देसी कट्टा सी, एक देसी एक पिस्टल सी, नाल दोनों दे दो राउंड जिहड़े असी बरामद किए, नाल एक दातर है वो असी बरामद की हैगी। पुछगिछ च पाया कि भई आ जिहड़े बंदे हैगे जलंधर दयाती दे एरिए विच जिहड़ा इन जनरल वारदात करदे सी, इन्हां ने पहले भी वारदात कीती हैगी। असी जी इन्हां नूं फिर उकत के असी एक मुकदमा रजिस्टर करके इन्हों अरैसट कर लिया है, जिहड़ी अगे दी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। नहीं, हले इन्वेस्टिगेशन का फैक्ट है कितने जा रहा है, इन्होंने कोई वारदात करनी सी या कितने जा रहा है, बट मौके पर जोड़े है जलंधर पुलिस स्पेशली ACP नॉर्थ दमनवीर जी के निर्देशन में इन्होंने पुलिस ने क्विक एक्शन किया है। जालंधर में पंजाब भवन कनाडा के फाउंडर सुखी बाठ द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कनाडा में होने वाले सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। इस संबंधी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा के बीच में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में अभी वे ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं। कुछ दिनों में वे वापस जा रहे हैं और उसके बाद ज़रूर वहाँ के हालातों पर चर्चा करेंगे। भारत और कनाडा के बीच में विवाद से पहले वहाँ के नौजवानों के हालात कैसे थे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर नौजवानों को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर नौजवान जा चुके हैं, इसलिए अब उतना रोज़गार नहीं रहा।
उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वहाँ पर नौजवान आ रहे हैं और कनाडा गवर्नमेंट में उन्हें नौकरियां नहीं दी जा सकती और ना ही इतने ज़्यादा घर बन पाए हैं क्योंकि इतनी संख्या का उन्हें भी अनुमान नहीं था, जिस वजह से हालात डावाडोल हुए पड़े हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाबी प्रेस क्लब जालंधर के जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यदा जो मेन मकसद सेगा जो कैनेडा दे विच बच्चे गए हुए ने थोड़ी मुश्किल विच ने उन्हां बारे अज दी कॉन्फ्रेंस सीगी, जिहड़ा मैं कोशिश कीती उत्थों उन्हों स्टडी करके उहदे विच की वधिया असीं कर सकदे हां किद्दां कर सकदे हां। तो जिहदे विचों सब तो पहला नंबर इस गल दा आउंदा कि जिहड़े माँ बाप बच्चियां नूं भेज रहे ने उह बच्चियां नूं तैयार करके नहीं भेज रहे, उन्हां दी फुली तैयारी नहीं हुंदी, उन्हां नूं बच्चियां दे विच कॉन्फिडेंस नहीं हुंदा, उह कल्ले रहिंदे ने, उन्हां नूं अपना आप चुकना नहीं आउंदा, नाल दी नाल पिछे उन्हां दे इकनोमिक जिहड़ी पैसे दी घाट करके बच्चे उत्थे मुश्किल दा सामना कर रहे ने। तो दूसरे पासे कैनेडा गवर्नमेंट ने भी एहसास नहीं यह किया इन्ने बच्चे आ जाएंगे तो वो इसलिए तैयार नहीं सन, इस करके इस वेले असी मुश्किल विच हाँ। हाँ जी जी, मैं तो कैनेडा सरकार नूं बड़ी एडवाइज़ करदा कि बच्चे साढ़े आए ने हुण तुसीं इन्हां नूं सद्दिया सी, इन्हां नूं तुसीं सांभो, बहुत सारियां संस्थावां लगियां होईयां ने, तो ये जिहड़ी इत्थे वाले भी जिहड़े मेरे माँ बाप ने साढ़े बच्चियां दे, उन्हां नूं मैं एक हंबर रिक्वेस्ट करदा कि प्लीज़ थोड़ा जिहा पॉज़ कर लो, आप रेडी हो जाओ, बच्चे नूं भी रेडी हो लैण दो, एक साल तो बाद बच्चे नूं भेज दिओ। मेरा नहीं ख्याल कैनेडा कभी स्टूडेंट वीजे बंद करूगा, सो थोड़े जिहा तरवास ना चलो तो बच्चे नूं रेडी करो और जिहड़े फंड्स ने वह जरूर बैंक च पहलां पा लो बच्चे नूं भेजण तो पहलां। जालंधर में ADCP आदित्य की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने कार चोरी और स्नैचिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी के पास से मर्सिडीज, BMW, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट असेंट और जेन कार सहित कुल 6 गाड़ियां बरामद की हैं। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये गिरोह पंजाब के अलग अलग शहरों में वाहन चोरी करते थे। इतना ही नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से भी अलग अलग गाड़ियाँ चोरी कर लाते थे। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी मान्योग CP साहब श्री कुलदीप चहल IPS जी के निर्देशन हेत असी जालंधर पुलिस वालों है ना एक अंतवाजी जोड़ा है कार जैकिंग जो कार थैफ्ट एंड स्नैचिंग जो गिरोह है वह पर्दाफाश किया गया सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ SHO 6 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ACP ਮਲਟਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਿਆਸ ਮਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਠਾਈਆ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ BMW ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਐਜ ਆਫ ਨਾਊ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 4 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਫਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ 28 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਕਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਟਰੱਸਟ ਏਵਮ ਚੱਡਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਕੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੋ ਸੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਪੂਰਵ CPS KD ਭੰਡਾਰੀ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੰਟੂ ਸਬਰਵਾਲ, ਬੌਬੀ ਢਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ।
इससे पहले मंदिर की संकीर्तन मंडली की सदस्या सुनीता बाबा प्रोमिला चड्डा ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के महासचिव सुरेंद्र चड्डा ने बताया कि इस बार ये मेला 28 सितंबर को पारंपरिक श्रद्धा एवं धूमधाम से शुरू होने जा रहा है। मेले की ट्रस्ट की तरफ से चल रही रूपरेखा तथा हो रही तैयारियों एवं मंदिर में लगाई गई लाइटें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को सुबह 9:30 बजे श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट द्वारा हवन यज्ञ आरंभ किया जाएगा, जिसके बाद प्रसाद रूपी लंगर दोपहर 12 बजे भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सुरेश चड्डा, ट्रस्टी तरसेम कपूर, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान विपन चड्डा बब्बी, महासचिव संजय चड्डा, कैशियर अनिल चड्डा, जेबी चड्डा, सुनील चड्डा बिल्लू, गौरा चड्डा, उमेश चड्डा, गणेश चड्डा, पंडित गोपाल दास, अजय लाली, यश चड्डा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, भूषण कोहली, यशपाल ठाकुर, मोहिंदर प्रभाकर, ओम प्रकाश सप्पल, सुरेंद्र लंबी, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, शिवम मखीजा, मैत्री मखीजा, विनाया मखीजा, जितेंद्र चोपड़ा, राजन शारदा एवं चड्डा बिरादरी के कार्यकारिणी सदस्यों सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कुश चावला के साथ कैमरामैन संदीप शर्मा और जितेंद्र की रिपोर्ट। अज मंदिर दे विच मेले वर्गा माहौल होया है, जबकि मेला जिहड़ा है वह श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का 28 तरीक नूं चालू होना है। दिन बाबा जी का 28 तरीक है वीरवार, लेकिन अज इतवार 3 दिन पहला ही मेले दीआं रौनकां लगियां हुई हैं। इस मेले का सारा जिहड़ा इंतजाम है वह श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वल्लों उन्होंने चेयरमैन श्री शीतल जी की अगवाई दे विच सारा इंतजाम हो रहा। जो भी इतने जिन्ना भी लाइटिंग का होर जिन्ना भी प्रोग्राम इतने मंदिर के लोगों की श्रद्धालुओं की सहूलत ली है वह सारा श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों किया जा रहा। और मैं इस मौके पर सारे श्रद्धालुओं को बाबा जी का आशीर्वाद लिए कहना है कि इतने मेले च आन मत्था टेकन तो अपना आशीर्वाद बाबा जी का आशीर्वाद लैन। मेले दे विच आने वाले भक्तों वास्ते ट्रस्ट वालों और श्री देवी तला मंदिर वालों रहन दा जिहड़े बाहरों भक्त आणगे उन्हां दे सरां दा इंतजाम किया, उन्हां दा रहन दा साडे अपने मंदिर दे विच भी हाल दे विच उन्हां दे ठहरन दा प्रोग्राम बनाया। जिहड़े भी बाहरों श्रद्धालु आउंदे आ उन्हां दी देखरेख करन लई मंदिर दा हर वलंटियर जिहड़ा उह उत्थे काम कर रिहा। ये फिर मैं तुहानू दुबारा दसदा जिन्ना इंतजाम है सारा मंदिर दे विच इस वेले मेले का हो रहा वो सारा श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों किया जा रहा। श्री सिद्ध बाबा सोडल की जय। श्री सिद्ध बाबा सोडल का वार्षिक मेला 28 सितंबर 2023 दिन वीरवार बड़े धूमधाम के नाल मंदिर के प्रांगण च मनाया जा रहा है। ये स्पलक्ष सवेरे जड़ा हवन है वह 11 बजे हवन होगा, उस तो बाद लंगर होगा। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों सारिया तैयारियां ये जड़ी तुसी लाइटिंग देखते हो बड़े बाहर तो कारीगर आए हैं, जड़ी मंदिर की सजावट है ये कलकत्ते और जयपुरों कारीगर आए हुए हैं। लाउड स्पीकर है जड़ा तुसी ये देखो कि रामनगर के फाटक तो लैके मंदिर तक, सोडल रोड तो लैके मंदिर तक, देवी दला चौक तो लैके मंदिर तक, काली माता मंदिर तो लैके मंदिर तक लगा हुआ। असी एक कंट्रोल रूम मंदिर के बिल्कुल जो असी एंटर करते उत्थे बनाया वै कि किसी का, क्योंकि इन्ना वड्डा मेला जिहड़ा तुसी इहनूं, मैं तां इह कहूँगा कि पंजाब का सारा वड्डा वार्षिक मेला। बहुत लोग है कोई बच्चा गवाच गया कोई कुछ गवाच गया उहदी सूचना उत्थे दित्ती जा सकती है। श्रद्धालुआं दे लई सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वल्लों बहुत सारे इंतजाम किए गए आ। बड़े आराम नाल तुसी आओ, बड़े आराम नाल बाबा जी का आशीर्वाद लाओ। ये जिहड़ा सारे काम है सारा काम है श्री सिद्ध बाबा सोडल के प्रधान शीतल बिज जी वालों, सारे ट्रस्टियां वालों बड़ी
बड़ी श्रद्धा नाल किया जा रहा। जय बाबा सोडल जी के। श्री सिद्ध बाबा सोडल का जिहड़ा सालाना मेला शुरू होंदा अज उहदी विधि पूर्वक जिहड़ी आ झंडे की रसम करके शुरुआत की गई। और सिद्ध बाबा सोडल जी का जिहड़ा यह मेला, ये नॉर्थ इंडिया का सारे नालों वड्डा मेला है जिहदे विच लखां की तादाद विच श्रद्धालु है जिहड़े इत्थे आ के नतमस्तक हुंदे आ और लखां परिवारां दीआं जिहड़ीआं मनोकामनावां आ और परिवार इत्थे झोलियां भर के जांदे आ। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा पूरे चड्डा बरादरी नूं, पूरे ट्रस्ट नूं और खास करके संगत दे चरणां च अपील करदा कि वध तों वध गिणती च आ के गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपना जीवन सफल करो। मेरे वल्लों, मेरे परिवार वल्लों, समुचे ट्रस्ट नूं, समुची बरादरी नूं, समुचे भाईचारे नूं, समुचे जलंधर नूं सिद्ध बाबा सोडल दे आगमन मेले की जिहड़ी आ लख लख वधाई। जालंधर शहर का सबसे व्यस्त फाटक गुरु नानकपुरा एक बार फिर से ऑटो की टक्कर से टूट गया है, जिसकी मुरम्मत करने के लिए रेलवे कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं ऑटो की टक्कर से टूटे हुए फाटक के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को कई किलोमीटर दूर तक घूमकर अपने घर और दुकानों की तरफ जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी आ रही है। इस दौरान गेटमैन आशीष ने बताया कि ऑटो चालक टक्कर मारने के बाद मौके से भाग गया, लेकिन उसका नंबर नोट कर लिया गया है और आरपीएफ को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। गुरु नानकपुरा फाटक खराब होने के कारण छोटे वाहन तो रेलवे कॉलोनी के बीच से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन कारें और बड़े वाहन रामा मंडी और दमोरिया पुल से होते हुए अपने रास्ते जा रहे हैं, जिससे कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर उन्हें तय करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महीने में 10 बार फाटक खराब रहता है, कभी वाहनों की टक्कर के कारण तो कभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये फाटक बंद रहता है। इस परेशानी को लेकर उन्होंने कई बार रेलवे अधिकारियों और मंत्रियों तक को भी इसकी जानकारी दी है, इसके बावजूद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा। जालंधर से पंकज शर्मा। भैया ये गेट बंद कर रहा था मैं 9:42 गुरु नानकपुरा फाटक को, तो एक ही रिक्शा आया तो उसने जोर से टक्कर मार दी। टक्कर मारने का कारण दूसरा जो दूसरी तरफ का बूम है किटी चौक का, वो टूट गया। टक्कर जानबूझ के मारी या गलती से हुई? मैं बंद कर रहा था तो उसने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की थी, जैसे टक्कर में करने के लिए अपने व्हीकल को, तो फिर टक्कर से टूट गया और फिर भाग गया। फिरोजपुर छावनी परिषद के ईओ अभिषेक त्रिपाठी ने छावनी के चंद्रशेखर आजाद पार्क में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों से स्वच्छता अभियान के तहत मुलाकात करते हुए बताया कि छावनी परिषद की तरफ से 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कई बीमारियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्लास्टिक के लिफाफे और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो कोई भी इसकी उल्लंघना करेगा उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर सनातन धर्म मंदिर के प्रधान बाल किशन मित्तल, विनोद शर्मा, डॉक्टर शर्मा, नरेश गोयल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हो चुका है और कंटोनमेंट एरिया में तो कैन टेक्ट में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमने लोगों को समय दिया था कि कुछ जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद इसको पूरी तरीके से बैन कर। सर, जो स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है ये कब से कब तक मनाया जा रहा है और इसमें क्या क्या कार्य किया जा रहा है? 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर को पैन इंडिया लेवल पे आपको पता चला होगा कि एक बड़ा कार्यक्रम होना है और मैं उसमें आह्वान करूँगा कि सभी पब्लिक के लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसमें हमने 8 जगह निर्धारित की है वार्ड वाइज, वो हम सर्कुलेट कर देंगे, जहाँ जिसको घर के पास में लगे वहाँ पर आकर के उसमें प्रतिभागी बने। स्वच्छता अभियान में हमने रैलियां निकाली हैं, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, साथ ही जो कुछ गार्बेज प्रोन एरिया थे उनको पे कोशिश की है कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। अगर फिर भी कोई ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो आप हमारे ध्यान में लाइए, संज्ञान में लाइए, हम उसमें साफ सुथरा करेंगे। लोकता ही सेवा दे विच असीं इहदे लैके चल रहे हैं। मेन साफ सफाई जी है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए है और बहुत ज़्यादा है भी है, सोने के लिए कोई यह दिक्कत नहीं है। अगर माड़ी मोटी जो कितने है तो सानू पब्लिक का सहयोग ही चाहिए, असं खुद अपने वालों भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और मेन जी है प्लास्टिक, प्लास्टिक वास्ते
ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੋ, ਬੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। धार्मिक परिषद चहार बाग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 29वां वार्षिक मां भगवती का जागरण चहार बाग जालंधर में करवाया गया। इस जागरण की शुरुआत महंत शुभम सवालिया एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक सुमित शर्मा एंड पार्टी, विशाल मनी एंड पार्टी ने मां भगवती का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को देर रात तक झूमने पर विवश किया। वहीं अंकुश भारद्वाज त्रिपुरारी स्वरूप वंदना की तरफ से शिव तांडव पेश किया गया, जिसमें कलाकारों ने सुंदर झांकियां पेश कर सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कारोबारी अमित सहगल, सुरेश गुप्ता, आप नेता चंदन गरेवाल, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन, पूर्व पार्षद बलजीत सिंह प्रिंस, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, राजीव दुग्गल, मोहित दुग्गल, निशु दुग्गल, जोनी जिमी, मनी खन्ना और वंश शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद लिया एवं धार्मिक परिषद चहारबाग वेलफेयर सोसाइटी को इस जागरण की बधाई दी। इस मौके पर प्रधान गुरमीत सिंह बाबा गाबा ने आए हुए सभी मां भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर गुरमीत सिंह बाबा गाबा मनदीप कुमार, करण कालिया, माधव कालिया, शिव आदिवाल, सुनील कुमार, नितिन तुषार, रौनक भंबरी, तनिष आदिवाल, आशु अनमोल, रजत मोनू, दमनप्रीत सिंह, दिनेश मोंटी, रियांश अर्जुन सहित सोसाइटी के सदस्य शामिल रहे। जागरण में आने वाले मां भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हमारे बाबा जी शीतल जी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक परमानीय श्री शीतल जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और धार्मिक परिषद चहारबाग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हमारे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और उनके साथ जितने भी मान्य योग से जनाए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अमृतसर के न्यू प्रताप नगर में एक परिवार की ओर से पिछले लंबे समय से घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुशोभित किया हुआ था, जिसकी परिवार द्वारा सही ढंग से देखभाल नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी ने मौके पर पहुंचकर देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को परिवार की ओर से बनता मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते परिवार की सहमति से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारा कलगीधर साहिब में सुशोभित किया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के नेता बलबीर सिंह मुच्छल ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनता सत्कार नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते परिवार की सहमति से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारा साहिब में सुशोभित किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पंजाब वालों न्यू प्रताप नगर ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਯਾਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SHO ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਡਿਊਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1448 ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 1548 ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ, ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੌਖ ਆਸਣ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।